चलिए बच्चों, हम लोग कल थोड़ा सा सिंपल स्पेस के बारे में पढ़े थे, अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्वेश्चन कुछ करते हैं, क्वेश्चन में हम लोग करते हैं प्रश्नावली है आपका एक्सरसाइज 16.1। इसमें सिंपल स्पेस से ही कुछ बेस क्वेश्चन दिया है, उसमें से हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया उसको हम लोग करते हैं। लिखा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। पहले देखो, बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 7 में प्रत्येक के निर्दिष्ट प्रतिदर्श समष्टि लिखे, मैंने वही निकालना है सिंपल स्पेस। 1 से 7 तक क्वेश्चन दिया उसका सिंपल स्पेस निकालना है। पहला बोला एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। पहला क्वेश्चन बोला कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया, छाला गया। आपको निकालना है कि सिंपल स्पेस क्या होगा। एक सिक्के को 3 बार उछाले या चाहे 3 सिक्के को 1 बार उछाले, बात सर एक ही है। हम आपको सिखाए थे कि अगर सर एक सिक्का को उछालिएगा तो या तो हेड मिलेगा ना तो ते मिलेगा ना, अच्छा दूसरा सिक्का को उछालिएगा तो क्या मिलेगा, हेड ना तो सर टे। तीसरा सिक्का को उछालिएगा तो क्या मिलेगा, हेड और टे। अब ध्यान दीजिएगा, ये सर एक सिक्का, एक दो सिक्का और एक तीन सिक्का, तीन सिक्का को उछाल दिए, तो पहले ये दोनों का पॉसिबल निकाल लीजिए तो हो जाएगा सर कि एच एच, ठीक है। अगला होगा एच टी, ठीक है। अगला देखिएगा टी और एच, टी और एच, अगला टी और टी, टी और टी, ऐसा आया सर। अच्छा फिर हमको क्या निकालना है, एच और टी, एक और सिक्का का ना, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एच को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एच 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 एच। अच्छा कोई किसी किसी को कर सकते हैं, एच एच टी ही लिख लीजिए, पहले एच एच लिख लीजिए, फिर क्या लिखेगा, एच टी एच, फिर सर एच टी टी, अब सब में टी पहले रख दीजिए तो टी एच एच टी एच टी 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 एच और सर टी टी टी, यानी कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यही आएगा कि नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग इसका एक जनरल फार्मूला भी सीखे थे कि सर 2 का पावर n नंबर ऑफ सिंपल स्पेस के लिए नहीं सीखे थे, अच्छा, और 2 का पावर n, n का मतलब सर 3 बार, तो 3 यहाँ रखिएगा तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, मतलब नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 8 आया होगा। लेकिन आपको नंबर ऑफ सिंपल स्पेस से मतलब नहीं है, केवल आपको मतलब है सिंपल स्पेस कितना आएगा, तो सिंपल स्पेस आपको सर दिख रहा है कि यही कंडीशन बनेगा। एक नंबर क्वेश्चन आइए सर जी, 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिएगा 2 नंबर, एक पासा को 2 बार फेंका गया, क्या बोला है, एक पासा को 2 बार फेंका गया, एक पासा को 2 बार फेंका गया। तो सर एक पासा को अगर हम फेंकते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर एक पासा को आप फेंकते हैं तो आता है 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा सर दूसरा पासा को फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। इसको सर मल्टीप्लाई कर देंगे वही हमारा आएगा कि नहीं नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो क्या क्या आएगा, 1 1, शायद हम कराए थे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद सर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, उसके बाद देखना बाबू 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, उसके बाद सर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, उसके बाद सर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, यही बनेगा कि नहीं बनेगा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। जल्दी से इसको नोट करिएगा, 1 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है उसको किया जाए,
जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया, मिटा देते हैं। चलिए अब तीन नंबर क्वेश्चन को देखिए। तीन नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक सिक्का को चार बार उछाला जाता है, ये सर कितना बार उछाला गया है? तीन बार। इसी क्वेश्चन में यहाँ क्या कर देना है? बस केवल चार बार। तो चार बार में ऑलरेडी सर ये तीन बार तो उछाल है, ये मतलब एक बार और उछाल दीजिए तो चार बार नहीं मिल जाएगा। एक बार उछालना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें हेड और टेल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो सब में अगर हेड से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा। यहाँ हम लिख देते हैं तो सब में हेड से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए एच 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 मिलेगा, उसके बाद एच 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 टी, फिर सर एच टी एच एच टी एच 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 टी टी, उसके बाद एच टी एच एच, उसके बाद एच टी एच टी, उसके बाद एच टी टी एच, उसके बाद एच टी टी टी। ठीक है, इसी तरह से ध्यान देना बाबू, इसी तरह से अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ भी एक बनेगा। टी का सब में मल्टीप्लाई करना है तो टी 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 एच एच सर टी, देख लेना एक बार ध्यान से टी एच एच एच, फिर सर टी एच एच टी, फिर सर टी एच टी एच, फिर सर टी एच टी टी। अब देखना टी टी एच एच टी टी एच टी, उसके बाद टी 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 एच, एक और लास्ट टी 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 टी। यानी कि सर आप गिनिएगा तो लगभग हमको लगभग की बातें ना है कि सर हम जानते हैं कि दो का पावर एन, और दो का पावर एन एन कितना बार, चार बार। चार बार उछाले होंगे तो कहीं ना कहीं 16 आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हम निकाल लिए इसका भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आइए एक और क्वेश्चन किया जाए, तीन तो तीन तक कर लिए, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन को किया जाए, चलिए ध्यान दीजिएगा। चार नंबर क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन दिया है, एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया, तो सिक्का उछालिएगा तो या तो हेड मिलेगा ना तो सर टेल। फिर क्या बोला है, और एक पासा फेंका गया, एक सिक्का उछाला गया और क्या कर दिया गया, पासा फेंक दिया गया। तो पासा फेंकोगे तो क्या आएगा, ये तो सिक्का उछालोगे तो, और एक पासा फेंकोगे तो क्या मिलेगा, एक दो तीन चार पाँच छः, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो एच के साथ क्या आ जाएगा, एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स, उसके बाद टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव और टी सिक्स, बस यही आ गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको करना तो पड़ेगा खुद। बस इसको लिख दीजिए, काम खत्म आपका। चलिए अगला देखा जाए, ये क्या नंबर क्वेश्चन था, फोर। आइए एक और क्वेश्चन फाइव नंबर देख लिया जाए इसी के साथ। देख बाबू फाइव नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया, तो सिक्का उछालोगे तो सर या तो हेड मिलेगा ना तो टेल, और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। मतलब ये तो ठीक है लेकिन कब, जब सिक्के पर चित्त, मतलब कोई एक, मतलब हेड बोले चाहे टेल बोले, तो जब सर हेड आ रहा है हेड, तब एक का फेंक दिया गया है, पासा फेंक दिया गया है। चित्त का मतलब हेड, हेड होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर हेड आया आपको क्या फेंकना है, पासा फेंकना है, तो पासा फेंकोगे तो क्या आएगा बाबू, पासा फेंकिएगा तो वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब टेल आएगा तो आपको फेंकना नहीं है, तो सर एक तो टेल वाला कंडीशन तो होगा ही ना, क्या गारंटी है इस बात की कि आपको फेंकिएगा तो हेड आएगा? अगर टेल आ गया तो टेल ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर हेड आ गया तो उसके साथ एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव और एच सिक्स यही होगा। इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 7। जल्दी से नोट करिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए, छः नंबर क्वेश्चन को समझिए। छः नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छः नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स कमरे में दो लड़के हैं। एक्स कमरा है, मान लो ये कोई कमरा है एक्स, इसमें क्या है सर, दो गो लड़का है। तो दो गो लड़का होगा तो सर एगो को बी वन मान लिया, एगो को बी टू मतलब बॉय पहला, अब बी टू मतलब दूसरा लड़का। अच्छा, और दो लड़कियाँ हैं तो पहला लड़की को मान लिया जी वन और दूसरा लड़की को जी टू। ये एक्स कमरा है, मान लो एक कमरा है एक्स, उसमें दो गो लड़का और दो गो लड़की थे। एक लड़का को बोल दिए बी वन, दूसरा लड़का को बी टू, दूसरा मतलब दूसरे पहले लड़की को बोल दिए जी वन, दूसरी लड़की को जी टू। उसी तरह बोला है एक वाई कमरा है, क्या है वाई कमरा, मतलब ये कमरा वन है और ये कमरा टू। तो वाई कमरा में एक लड़का और तीन लड़कियाँ हैं, तो देखो बच्चे यहीं गलती कर देते हैं कि यहाँ भी बी वन मान लेते हैं। बी वन आप नहीं ना मान सकते हैं, क्योंकि सर आप खुद सोचिए कि यहाँ लड़का जो बी वन मान लिए हैं तो वो कोई एक लड़का होगा, तब ये लड़का यहाँ थोड़े हो सकता है, बात समझिए, यहाँ ये नहीं ना हो सकता है। तो इसलिए हमको सर इसमें कै गो लड़का दिया है, इसमें एक लड़का दिया है, उसका नाम हम रख देंगे बी थ्री। बी थ्री हम क्यों रखें, सोचो ध्यान से कि एक कमरा है एक्स जिसमें दो लड़के हैं, तो दो लड़के का नाम रख दिए बी वन और बी टू। तो अगला जो लड़का है इसमें एक, तो वो बी वन और बी टू थोड़े होगा, बी थ्री कोई नया लड़का ना होगा। अच्छा, और दूसरा सर बोला है कि और तीन लड़कियां हैं और इसी में तीन लड़कियां हैं, तो जी वन जी टू तो नाम दे चुके हैं, तो अगला का दीजिएगा जी थ्री जी फोर और जी फाइव, आप यहीं दे सकते हैं। तो बोला है कि उस स्थिति में प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करें जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है फिर एक बच्चा चुना जाता है। पहले एक कमरा चुनना है, तो कमरा कै गो है, दो गो, या तो एक्स ना तो वाई। मान लो हम कमरा चुन लिए एक्स, तब हमको लड़का चुनना है। तो अगर कमरा x चुन लिए तो x के साथ क्या लिखिएगा, x b1, मतलब कि x कमरा का b1 लड़का, उसके बाद x b2 मतलब x कमरा का दूसरा लड़का, ठीक है। उसी तरह सुनिएगा x g1 क्या होगा, x g1 और सर x g2। ये सर पहले कमरा चुने थे फिर क्या चुने, लड़का और लड़की को चुनेंगे, ठीक। अब उसके बाद हमको बोला है कि अगला कमरा चुनिएगा, तो जब वाई कमरा चुनेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, बी थ्री, और सर अगर वाई कमरा चुनेंगे तो उसमें जी थ्री, और उसके बाद अगर वाई कमरा चुनेंगे तो जी फोर, और उसके बाद सर वाई कमरा चुनेंगे तो क्या मिलेगा, वाई कमरा चुनेंगे तो जी फाइव। यही आपका आएगा नंबर ऑफ
सिंपल स्पेस। जल्दी से इसको नोट करिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इसको समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा आगे चलते। यहाँ सर ऐसे नहीं था नॉर्मली कि ऐसे एक सिक्का को उछाल दीजिए चाहे एक पासा को उछाल दीजिए, यहाँ ये सोचने की बातें हैं कि सर पहले दो गो कमरा दिया था, एगो एक्स कमरा एगो वाई कमरा। एक्स कमरा में दो लड़के थे तो बी वन और बी टू नाम दिए, एक्स कमरे में ही दो लड़कियाँ थी जी वन और जी टू नाम दिए। वाई कमरा में एक लड़का था तो उसका नाम हम बी थ्री रखें, और लड़की कितना थी तीन, तो ये मत नाम रख देना कि यहाँ भी जी वन जी टू जी थ्री रख दें। जीवन जी टू जी थ्री आप नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर वो लड़की फिर एक ही ना हो जाती, यहाँ भी होती और यहाँ भी होती, ऐसा तो क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो आपको जी थ्री मतलब ये हुआ कि ठीक है सर इस रूम के लिए पहली लड़की है, लेकिन इस रूम के लिए नहीं है पहली लड़की है, लेकिन जो आपके लिए लड़की होगी वो तीसरी लड़की होगी और चौथी और पाँचवीं, इसी तरह से सॉल्व कर देना है। चलिए आइए सात नंबर को समझा जाए, छः तो हो गया, सात को समझा जाए। आइए ध्यान दीजिए, सात नंबर भी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ध्यान देना। चलो बाबा सात नंबर को देखिए, सात नंबर लिखा है एक पासा लाल रंग का, मतलब एक पासा है सर किस रंग का, रेड रंग का, मतलब एक पासा ऐसा है कुछ मान लीजिए, ये किस कलर का है, आर कलर का, रेड माने आर, आर माने रेड, ऐसे याद रखना है। और बोला है एक सफेद रंग का, मतलब एक सर कैसा है, एक पासा है ये रेड रंग का और एक पासा सर सफ़ेद रंग का, एक पासा कैसा है सफ़ेद रंग का वाइट कलर का, और एक अन्य पासा नीला रंग का, नीला रंग को हम मान लो ब्लू बोल दे रहे हैं ब्लू, तो नीला रंग के लिए हम क्या रख देते हैं एक और पासा, मतलब आपके पास सर तीन पासा दिया हुआ है, एक पासा रेड रंग का और एक पासा वाइट रंग का और एक पासा नीला रंग का, तो ब्लू बोल दो। अब ध्यान देना बोला क्या है, अब इसके आगे कि बोला है कि एक थैले में रखे हैं, ठीक, एक पासा यादृच्छ चुनना है, हाई तीनों में से एक पासा को चुनना है, ये तीनों में से कोई एक पासा को चुनना है, मतलब ये तीनों में से कोई एक पासा चुनना है, अच्छा, और उसे फेंका गया है, मतलब एक पत्ता को मतलब एक पासा को चुनना है और फेंकना है। जैसे मान लीजिए कहीं एक झोला है, ठीक, इसमें से हमको आँख बंद करके वो पासा निकाल देना है, तो हम आंख बंद करके जब इसमें सर हाथ डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मान लीजिए कि हाथ डालें हम तो मान लो ये मिल गया, तो कोई एक है ना एगो हमको निकालना है। अब कितने लोगों के कि सर हम इसमें डालें हम बोलेंगे कि हरा रंग के निकल जाए, तो आंख बंद करिए हरा रंग के निकलेगा कभी, अरे सर ये तीन कलर का है ये, तो इसमें से हरा कहाँ से आ जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि मान लीजिए सर हम एंट्री मारे होंगे, जैसे मान लीजिए हम आँख बंद किए इसमें एंट्री मारे, देखो हमको कौन निकल रहा है रेड, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेडे निकलेगा, हम आंख बंद के मान लो इधर रखें तो तीनों में से कोई एक तो आएगा ना, एक आ गया तो मान लो हम शुरू में मान लेंगे सर रेड आ गया हमारे साथ, और जब रेड आएगा ना तो अब उसको फेंकना है, तो हो सकता है कि सर रेड आया हो तो फेंके होंगे तो वन आ गया हो, नहीं हो सकता है सर रेड आया हो लेकिन फेंके होंगे तो टू आ जाए, रेड आया हो लेकिन फेंके होंगे तो, रेड आया हो लेकिन फेंके होंगे तो चार, रेड आया हो लेकिन फेंकेंगे तो पाँच, रेड आया हो लेकिन फेंकेंगे तो छो, ये तो सर रेड जब निकला तब ना, अच्छा मान लीजिए हम सर ये कोई जरूरी थोड़े है गारंटी थोड़े है कि रेड ही निकलेगा, मान लीजिए वाइट निकल गया होता तो क्या होता W1 W2, इसका मतलब यह निकल रहा है कि वाइट कलर का पासा निकल रहा है लेकिन फेंकने पे क्या आ रहा है वन, वाइट कलर का पासा निकल रहा है लेकिन फेंकने पे क्या आ रहा है टू, उसी तरह बताइएगा अगला क्या मिलेगा W3, अगला क्या मिलेगा W4, अगला सर W5, अगला W6, ये तो सर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा ब्लू कलर का भी तो निकलेगा सर, अच्छा तो ब्लू का निकलेगा था B1, B2, B3, B4, B5, B6, यहीं आपका होगा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, बस कर लेना है। चलिए आज इतना ही रख दिया जाए, एक और कर लिया जाए, क्वेश्चन छोड़ दिया जाए यहीं तक, सात तक हुआ ना, इसके आगे कल करेंगे लोग, आठ से लेकर आगे जो भी है उसको कल किया जाए, आठ कर दिया जाए। चलिए फिर कह रहे हैं लोग तो आठ कर दिया जाए, आइए ध्यान दीजिएगा, तब आठ नंबर को भी कर ही दिया जाए। देखिएगा बाबू आठ नंबर क्वेश्चन ऐसे शायद हम कंसेप्ट में ही थोड़ा बहुत हिंट किए होंगे, देखिएगा ध्यान से। लिखा है कि एक परीक्षण में दो बच्चों वाले परिवार में से प्रत्येक लड़के एवं लड़कियों की संख्या को
लिखा जाता है। दूगो परिवार है, कै गो? दूगो। तो ये लिखना है दूगो परिवार में, एक परीक्षण में दो परिवार वाले परिवारों में से प्रत्येक लड़के और लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। अब ध्यान से सुनना, अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की हो, तो ये पहला परिवार और दूसरा परिवार नहीं, तो हो सकता है सर कि पहले घर में लड़का का जन्म हुआ हो तो बॉय हो गया, हो सकता है दूसरे घर में सर बॉय का जन्म हो गया हो तो दोनों में क्या हो गया, दोनों के घर में बॉय जन्म ले लिए होंगे, हो सकता है नहीं सर इसमें भी गर्ल पैदा हो गई हो और इसमें भी गर्ल, तो दोनों में क्या लिख सकते हो, जी जी नहीं, अरे भाई दो को घर है और दोनों घर मान लेगा को बच्चा जन्म ले रहा है, तो आप खुद नॉर्मली सोच के देखिए ना कि हो सकता है सर दोनों के घर में जो जन्म लिया होगा वो बच्चा बॉय हो गया होगा, और चाहे सर दोनों लड़की, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि पहला के घर में बॉय और दूसरका के घर में गर्ल, नहीं अच्छा ये भी हो सकता है सर कि दूसरे के घर में बॉय आया हो और पहला के घर में लड़की, ऐसे सोच सकते, देखो ये पहलका वाला है, पहला वाला घर के लिए, पहला वाला घर में बॉय, दूसरा वाला घर में बॉय, ठीक अच्छा, पहला वाला घर में लड़की, दूसरा वाला घर में लड़की, पहला वाला घर में लड़का, दूसरा वाला घर में लड़की, अब पहला वाला घर में लड़की या दूसरा वाला घर में, यही हो गया नंबर ऑफ सिंपल ऐसे काम है, खत्म। ऐसे भी क्या कर सकते हैं जिसमें हेड टेल, हाँ वही 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 तो है, नहीं वही है कि हेड और टेल, मान लीजिए यहाँ वही कर रहे हैं हम लोग, हाँ बस बस वही हो रहा है, बस बस वही, एक बॉय है इधर गर्ल है, इधर बॉय है और इधर गर्ल है, अरे भाई मान लीजिए जन्म लेगा बच्चा तो या तो बॉय होगा ना तो सर गर्ल, इसमें भी सर या तो बॉय होगा या गर्ल, तो देखो अब बी को पूरा में गुना करो तो बी बी, देखो बी बी बन रहा है, अब बी जी, बी जी कहीं होगा, अच्छा फिर सर जी का गुना करिएगा तो जी बी और एक जी जी, बात एक ही है, वैसे ही सोच सकते हैं। चलिए अब दूसरा देख लिया जाए, इसी का दूसरा, यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में हो तो प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करें, लड़कियों की संख्या जानने में हो, लड़कियों की संख्या, तब देखिएगा ये सर संख्या लड़कियों की बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा इसे, कै गो लड़की है, दो गो लड़की, दो गो नहीं, लड़कियों की संख्या तो ये ना मिला, एक घर में दो गो लड़की, मतलब लड़कियों की संख्या तो ये दो हुआ, अच्छा यहाँ सर एक, यहाँ सर एक और यहाँ भी एक, तो दो हाई दोनों तो बात एक ही ना होगा, दो एक और एक सर यहाँ पर लड़की है नहीं है, तो जी बात कम क्लियर हुआ, मतलब यहाँ ये था, देखो ध्यान समझना, यहाँ ये बोला है कि हमारी इंटरेस्ट जो है वो लड़कियों की संख्या जानने में है, कि मतलब दोनों के घर में मिला के कै गो लड़की, तो पहले हो सकता है कि सर दोनों के घर में लड़का लिया हो तो हमारा तो इंटरेस्ट जीरो ना हो गया वहाँ, कि एक को लड़की नहीं है तो जीरो, अच्छा ये सर कंडीशन आ गया कि दोनों के घर में लड़की हो गई, दो गो लड़की हो गई, हो सकता है सर हाई दोनों कंडीशन, इसमें तो सर एक ही ना लड़की होगी, इसलिए एक लिख दी, काम कर दो आज के लिए, इतना ही रहने दिया जाए, आगे कंसेप्ट किया जाएगा, मतलब कंसेप्ट देखो लगभग कर चुके, अगर आप ट्राई करोगे ना घर पे तो आप 9 से लेकर ट्राई करिएगा घर पे, नहीं तो हम जल्दी जल्दी में बना देंगे 9 से 16 तक कल का कंसेप्ट में बता दिया जाएगा, लगभग कंसेप्ट वहीं रहेगा, बस आपको बनाने का तरीका देखना है।